रेगिस्तान को जितना एक्सप्लोर कर लें उतना कम रहता है। अगर आप देखें तो आपको हर तरफ ढेरियों के ऊपर ज़मीन के नीचे बिल्ले ही बिल्ले नज़र आएंगी। ये बिल्ले जो हैं ब्रिलियंट ग्राउंड एगामास की हो सकती हैं। डेजर्ट जर्ड जो है वो ज़मीन के नीचे इस तरह की जगह पे अपनी बिल्ले बनाती हैं। ये देखें हर तरफ से ज़मीन को खोखला किया हुआ है और ये जो हाइट पर आपको बिल्ले नज़र आ रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत कलर बदलने वाला ब्रिलियंट ग्राउंड एगामा होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे मेरे आपको बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा मैदान नज़र आएगा। इस तरह के मैदान को यहाँ की मुकामी ज़बान में कहा जाता है डार, क्योंकि यहाँ पे रेत नहीं होती, पक्की मिट्टी वाली जगह होती है। और इसी डार में होते हैं स्पाइनी टेल लिजर्ड जिसको सांढा कहा जाता है। जैसे ही बारिश पड़ेगी ज़मीन सब्ज़ होगी और आपको हर तरफ जो है ब्रिलियंट ग्राउंड एगामास और स्पाइनी टेल लिजर्ड सांढा नज़र आएंगे। और इसके साथ ही मुझे मिला है बंजर ज़मीनों पे रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत पैरासाइटिक प्लांट जिसको कहा जाता है सिस्टेंसी ट्यूबुलोसा। ये पैरासाइटिक प्लांट है, आसपास के पौधों को नुकसान भी पहुंचाता है, काफ़ी कड़वा रहता है। मुकामी ज़बान में इसको कहा जाता है गिद्दड़ बूटी और बहुत ही हाइट पर चला जाता है। जितना आपको ज़मीन से बाहर नज़र आ रहा है इतना ही ये ज़मीन के अंदर भी होता है। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर काफी, ये देखे बहुत ज्यादा मेडिसिन बनाई जाती हैं इससे। तो ये रेगिस्तान की बंजर जमीनों की खूबसूरती है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये देखें पानी से भरा हुआ है और इसका जायका काफी कड़वा रहता है। इसी वजह से कोई भी रेगिस्तान में पाया जाने वाला एनिमल इसको खाता नहीं है। और मज़े की बात, अगर आप इसका पानी अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो रात के वक्त आपको कोई भी मच्छर तंग नहीं करेगा, ना आपके पास कोई जहरीला इंसेक्ट वगैरह आएगा। तो इसको इधर ही छोड़ते हैं। रेगिस्तान में एक अलग ही दुनिया बसती है। मैं और मेरी टीम पिछले कई दिनों से रेगिस्तान में मौजूद वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मैं और मेरी टीम इस छुपी हुई दुनिया को किस हद तक ढूंढ सकते हैं। मैं हूं अब्दुल रहमान, मेरे सर पे सवार है पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर और प्रमोट करने का जुनून। देखते हैं कि मेरी किस्मत यहाँ पे कैसी है और मुझे इस हैबिटेट में क्या क्या मिलता है। ये रहा मेरी 3 साल की मेहनत का फल। मैं जरा हटके हूं, और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को, जानते हैं इनके बारे में वो सारी मालूमात जो बनाती है इनको बहुत खास। मैं हूं वाइल्ड और आप देख रहे हैं वाइल्ड रश। हमारी टीम को मिला है तो पाकिस्तान के तीनों गर्म सहराओं में पाए जाने वाला सांप, बहुत ही खूबसूरत सेमी वेनमस माइल्डी वेनमस सांप हमें मिल चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत है, और इसको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि कांटेदार झाड़ी है, अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये जख्मी हो सकता है। इसको बाहर निकालते हैं, आप जरा देखें कितना खूबसूरत है। रेगिस्तान की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियाँ और दरख्त नज़र आएंगे। शिकार और शिकारी ज़िंदा रहने के लिए इन्हीं कांटेदार झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इस सांप की स्किन बाकी सांपों की निस्बत काफ़ी नरम होती है, हल्की सी गलती इस सांप को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर सकती है, इसलिए मुझे इसको बहुत एहतियात के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर निकालना पड़ेगा। तो आपने आज तक इससे ज़्यादा खूबसूरत सांप देखा नहीं होगा। इस सांप को कहा जाता है शिकारी सैंड रेसर स्नेक, इसके काफ़ी सारे मुख्तलिफ नाम हैं। मुकामी लोग इसको तीर मार सांप भी कहते हैं। तीर मार सांप
इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो यह बारीक है और इसकी स्पीड तीर जैसे रहती है। अगर ये एक बार निकल गया तो इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। एक फिनलैंड का हर्पेटोलॉजिस्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस सांप को ढूंढा था और उसका नाम था पीटर फोर्सकल, और उसी वजह से उस हर्पेटोलॉजिस्ट की वजह से इस सांप को फोर्सकल सैंड स्नेक भी कहा जाता है। इस सांप को एफ्रो एशियन सांप भी कहा जाता है। एफ्रो एशियन इसलिए क्योंकि ये सांप जो है अफ्रीका के बहुत ज़्यादा हिस्सों में पाया जाता है, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में पाया जाता है, और इसी वजह से इस सांप को एफ्रो एशियन सांप भी कहा जाता है। इस सांप का साइंटिफिक नेम है सेमोफिस शुकारी, और ये सांपों की सेमोफिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये सेमी वेनमस माइल्डली वेनमस सांप है, जिसका मतलब है कि ये सांप अगर किसी इंसान को काट ले तो इसके जहर में इतनी ताकत नहीं होती कि किसी इंसान की जान ले ले, लेकिन अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी कम है, उसको शुगर है, तो जहाँ पे इसने काटा है कुछ दिन के लिए वहाँ पे सूजन, स्वेलन और जलन रह सकती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद वो इंसान ठीक हो जाएगा। जबकि अगर ये सांप अपने शिकार को काटे, छोटे रोडेंट, चूहे को, छोटे परिंदे को, छिपकली को काटेगा, तो इसकी जहर से इसका वो शिकार जो है थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाएगा, और पैरालाइज होने के बाद ये सांप उसका पीछा करता है और उसको खा लेता है। डेजर्ट में ज़्यादातर इसकी पसंदीदा खुराक जो है वो छिपकली रहती है। इस सांप की मैक्सिमम लंबाई जो है 4 फीट 3 इंच के करीब रह सकती है। अगर आप इस सांप को देखें तो ये 3 फीट से ज़्यादा है और इतना ही मोटा और इतना ही बारीक लंबा रहता है। इस सांप की पहचान का आसान तरीका ये है कि इस सांप के ऊपर आपको 4 ब्राउन कलर की लंबी धारियां नजर आएंगी। ये देखें 1, 2, 3 और 4, और 3 येलो कलर की, लेमन येलो कलर की लाइनें जो है इन 4 ब्राउन लाइंस को क्रॉस करती हुई, अलग अलग करती हुई आपको नज़र आएंगी। और ये सांप जितना ऊपर से खूबसूरत है उतना ही नीचे से भी खूबसूरत है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका लेमन येलो कलर का नीचे से रंग है। और इस सांप को डेजर्ट सैंड रेसर स्नेक भी कहा जाता है, इसलिए कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो आप इसकी ज़रा स्पीड चेक करिएगा। तो इसको डेजर्ट सैंड रेसर स्नेक क्यों कहा जाता है? इसकी स्पीड की वजह से। आप देखिए किस तरह से एक्टिव हो चुका है। कैमरा के पीछे मेरी पूरी टीम खड़ी है, ये इसका फोकस उनके ऊपर है, और जैसे ही मैं इसको टच करूँगा, ये देखें इसकी स्पीड चेक करें ज़रा, और किस तरह से सरफेस के साथ ये कैमोफ्लेज हो रहा है। और इसको भी मैं पकड़ लेता हूँ इससे पहले कि ये गुम हो जाए। डायर्नल स्नेक है, दिन के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है, अपने शिकार की तलाश में बैठा रहता है। अगर इसके शिकार की बात करें तो छिपकलियाँ इसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खुराक है। ज़रूरत पड़ने पे ये छोटे परिंदों के बच्चों को भी खा लेता है और छोटे चूहों को भी खा लेता है। ये सांप ओवीपैरस है, ऐसे सांप जो अंडे देते हैं उनको ओवीपैरस कहा जाता है। जो सांप लाइव बर्थ की सूरत में बच्चे देते हैं उन सांपों को वीवीपैरस कहा जाता है। मौसम सर्मा के एंड में जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है इनका मेटिंग सीज़न जो है वो शुरू होता है। एक मादा जो है मेटिंग के बाद 2 से 6 अंडे देती है, जिसमें से मानसून की बारिशों के बाद बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और रेगिस्तान में बंजर में फैल जाते हैं अपने शिकार की तलाश में। अगर इन सांपों की लाइफ स्पैन की बात करें तो ये सांप जो है 18 से 20 साल तक जिंदा रहते हैं। तो ये सांप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और रेगिस्तानों की खूबसूरती है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, आज़ाद करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा तंग करूँ और ये मुझे बाइट करे। तो मैं नहीं तंग करूंगा इसको ज्यादा, लेकिन आजाद करने से पहले एक बाय 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 मेरे दोस्त, इंसानों से जरा बच के उसकी स्पीड चेक करें जरा। किस तरह से वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में चला गया है। तो रेगिस्तान को एक्सप्लोर करने का अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, और एक्सप्लोर करते हैं।